वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है संडे और हम निकले हैं लड़कियों का दूसरा प्यार। तो पहला प्यार तो लड़कियों का शॉपिंग होता है ना, तो लड़कियों के दूसरे प्यार की तलाश में। क्या होता है लड़कियों का दूसरा प्यार? लड़की तो होते हैं, और कौन होता है? नहीं, लड़के नहीं होते हैं लड़कियों का दूसरा प्यार। हाँ, और कौन होता है? लड़की तो होते हैं। नो, लड़कियों का दूसरा प्यार होता है गोलगप्पे। तो फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? मर जा! आज हम हमारी सिटी के, कौन सी सिटी में है हम? अच्छा लग रही है। हाँ, हम कैपिटल सिटी में ही है और हम अपने शहर के गोलगप्पे ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम सम रैंडम प्लेसेस। सो ही इज माई ब्रदर, आज ये मुझे अकंपनी करेंगे इस ब्लॉग के लिए। से हाय। आपको मेरे पूरे ब्लॉग में स्माइल करनी है भैया। ओके, दांत पीले है ना, कुछ करा नहीं ब्रश सुबह से। सो हम जा रहे हैं रैंडम शॉप पे। अभी हम खड़े हैं ढांड रोड जगदम्बा स्वीट्स के बाहर। तो हम वहाँ जाके देखते हैं कि उनके गोलगप्पे कैसे हैं और आपको रेटिंग भी देंगे। स्टे ट्यून, एंड तक देखना है वीडियो, बहुत मजा आने वाला। सो आर यू रेडी? यस रेडी, गोलगप्पे खाने के लिए रेडी हैं, फ्री में। इनको भी बोलो गोलगप्पे खाने जाएंगे। आ जाना गोलगप्पे खाने भाई। कितनी तरह का पानी मिलता है यहाँ पे? दो तरह का पानी मिलता है भैया। कितने तरह का पानी है आपके पास? दो तरीके का। बढ़िया गोलगप्पे, क्रंची है, क्रंची और खट्टा मीठा, अच्छा टेस्ट है बिल्कुल। सो वी आर ऑफ टू अवर सेकंड डेस्टिनेशन। हम जा रहे हैं शाम बीकानेर, एंड वो भी ढांड रोड पर ही है, उसके भी क्वाइट मशहूर हैं गोलगप्पे। तो देखते हैं कि कैसी वहाँ की रेटिंग आने वाली है। सो वी आर हेडिंग। लग रही है बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाने की। गोलगप्पों की लाइन लगी पड़ी है, गोलगप्पे खाने आए हैं यहाँ पे बीकानेर वालों के लिए। बहुत तगड़ी लाइन है बाहर। कौन सा खिला रहे हो भैया गोलगप्पा? यहाँ पे स्पेशली आए हैं गोलगप्पे खाने। कैसा रीवा, आटे वाला खा के कैसा लग रहा है ऊपर? तीखा कम है। तीखा खिलाओ भैया। अगला रेडी है, कैसा है? अरे जल्दी बता। मीठा पानी है, हल्का सा मीठा कम लगा, बाकी गुड है। आपका नाम किसे रखा? राम खिलाड़ी। घर वालों ने रखा तो आधार कार्ड पे राम खिलाड़ी लिखा हुआ है। गुड भी आप लेने आते हो तो सबसे अच्छा मेरे को ढोकला और फास्ट फूड। फास्ट फूड में ये टिक्की वगैरह बनाते हैं, टिक्की दही बनते हैं, दही बनते हैं। आपका नेम क्या है? मेरा नाम प्रवीण है। आप यहीं से हैं? सो रेटिंग 10 out of 7 कहूँगा मैं, 7 है। 7 out of 10 होता है। हम जा रहे हैं पेवा चौक, और उसका नाम भी आई थिंक श्री श्याम बीकानेर है। हाँ, तो वहाँ के भी बहुत ज़्यादा हाइप है, अच्छे हैं अच्छे हैं। तो आज देखते हैं कि वहाँ का क्या रिजल्ट रहता है। आर यू एक्साइटेड? यस ऑफ कोर्स। भूख लगी है गोलगप्पे की आपको? भूख अब थोड़ी कम हो गई है, बाकी है, भूख तो है। शाम बीकानेर जी के पास आए हम गोलगप्पे खाने के लिए। तो फिर अब बता दो कितने गोलगप्पे खाने हैं? नंबर लग गया भाई, नंबर लग गया अब तो। कितने दीवे, 20 से कितने आएंगे?
क्या पता भैया छह खिला दें। दोस्त भिखारी नहीं है, बहुत पैसे अपने पास। मुझे ना एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कहते हैं ना कोई पानी मिलता है। हाँ जी, आप बताना कैसे हैं? पानी टेस्टी है, बहुत पानी बहुत सच में टेस्टी है, बहुत ज्यादा। तो हंस के बोल लो थोड़ा। आओ पानी आ जाओ। भैया बोल रहे थे, क्या नाम है आपका? गणित यादव। क्या नाम है? गणित यादव। गणित यादव जी, गणित यादव मैथमेटिक्स। गणित यादव, आपका मैथ्स अच्छा है क्या? आप मैथ्स में अच्छे हो क्या? कभी कंपनी में लगाया मैंने। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से साढ़े साढ़े आधा क्यों काट दिया? थोड़ा अभी लाएंगे और अभी कैथल में और फ्लेवर्स का पानी कहाँ मिलता है भाई? हम तो बाहर से आए हैं, इनका खाया बाकी अच्छे हैं। गीता भवन के पास बोलना, ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या नाम है उनकी शॉप का? ब्रिजवासी। ब्रिजवासी है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वही है, वही जा रहे हैं। तीन जगह के गोलगप्पे खा लिए हैं और अब ये नहीं समझ आ रहा कि चौथी जगह। जब भी मैं बोलने लगती हूँ ना, हमेशा कोई ना कोई गाड़ी फोन कर जाती है, तो चौथी जगह समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं। भाई देखो, समझ तो आ नहीं रहा, तीन जगह खा ली और पेट भर गया गोलगप्पे से मेरा था फुल। ठीक है, अब हम दही वाले ट्राई करेंगे। दही वाले ये तो बहुत पेट भर देगा भाई। कोई बात नहीं, दो खा लेंगे यार। सुबह वॉशरूम भी जहाँ कौन बैठेगा इतने। और अब जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे बढ़िया मिलते हैं। अंकल ने बताई है एक जगह, कमेटी चौक पे, ब्रिजवासी है ना? हाँ, ब्रिजवासी के बताए हैं गोलगप्पे ये अच्छे होते हैं, वहाँ जा रहे हैं अब। और वहाँ देखेंगे, अगर फ्री में मिलेगा तो और बढ़िया है। साले पैसे खर्च ला दिए इतने सारे, हर जगह 20 के 5 हाँ 20 के 5 या 6 ही हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो बाकी बढ़िया थे, अभी जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अब हम पहुंच गए हैं, ये किसान बीच में कहाँ से आ गया? ब्रिज वासी, यहाँ तो कोई भी नहीं है यार। चलो अभी गोलगप्पे खाते हैं, थोड़े से देखते हैं क्या रिव्यू है गोलगप्पों का। देखते हैं हम भैया क्या खिलाते हैं गोलगप्पे। तो सिर्फ एक पानी वाला। कितने हैं भैया? 20 के कितने की प्लेट है? 20 के 6 हैं। पहली दुकान जो 20 के 6 दे रहा था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पानी पानी एक ही तरह का भैया? एक करारा, एक मीठा है। इनका नाम तो पूछ लो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बंटू है। बंटू जी, ये कौन से आटे है? दही वाला कैसा गोलगप्पा? तो भाई एक नंबर का गोलगप्पा है भाई, कैथल के बीच में, शहर के अंदर ही है बिल्कुल, कमेटी चौक के बिल्कुल पास में है। बढ़िया गोलगप्पे हैं भैया। आज तो थक गए गोलगप्पे खा खा के, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मेनली ना हम चार जगह गए थे, बीकानेर पे गए थे और श्रीशाम बीकानेर गए थे। श्रीशाम बीकानेर जो पेवा चौक पे है वहाँ पे, ब्रिजवासी जो वहाँ पे कमेटी चौक पे था। तो सबसे बेस्ट तो सबसे पहले वाले के लगे थे, जगदम्बा वाले के। सबसे पहले जो सबसे पहले हमने उसके गोलगप्पे सबसे अच्छे उसके लगे थे। दूसरे नंबर पे लगे थे हमारे जो पेट्रोलम के साथ है उसके अच्छे थे, ऑल ओवर लक्ष्मी बीकानेर का। पर यह है कि हर कोई 20 के 5 ही दे रहा था। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारे कैथल में पानी की वेराइटी नहीं है। मीठा पानी है और खट्टा पानी, बस दो तरह के पानी से ऊपर कोई पानी नहीं है कहीं भी। तो जहाँ भी आपको लगता है कि पानी ज़्यादा मिलेंगे 4-5 तरह के, वहाँ उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वहाँ पर हम आके गोलगप्पे खा के दिखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो का बेस्ट पार्ट बताना। ओके बाय।